बच्चा बाल्टी फ्लूइड मैकेनिक्स पे लेक्चर 04 आज का पूरा लेक्चर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे डिस्कशन चलेगा, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेके कुछ ज्ञान ही नहीं होता है बच्चों में, पूरा पढ़ा दो ना थियरी रट्टा मार के आ जाते हैं और फुल मार्क्स ले आते हैं इधर टेस्ट में, स्कूल एग्जाम्स में भी जाके लिख के मार्क्स ले आते हैं। मार्क्स ले आने वाले बच्चे को जब मैं पूछूं ना कि तेरे सर के ऊपर कितने किलोमीटर तक हवा फैली हुई है बता दो, बोले सर मेरे को कैसे बताओ, मैं शक्तिमान थोड़ी जो उड़ के जाऊंगा बोलूंगा सर इतने किलोमीटर तक हवा है, ऐसा क्या क्वेश्चन लाते हो, ये ऐसा बोलते बच्चे। कॉमन सेंस की बात है, मैं बोलूं तेरे सर के ऊपर कितने किलोमीटर तक हवा है तो तुम भी चक्कर में पड़े होगे, अरे सर हमको कैसे बताओ। चलो एक काम करते, एक बड़ा सा मेजर टेप ले आते हैं, एक छिड़ा पकड़ के खड़े रहो और एक को मैं लेके ऊपर उड़ के जाता हूँ, तो देख लेंगे इतने किलोमीटर तक हवा है। समझ में आ रहा है? दिस इज इडियटिक। आसान सा सवाल है, आसान सा जवाब आपके पास है इसका, लेकिन आप उस डायरेक्शन में सोचता नहीं है बच्चा। बच्चा थियरी रट्टा मारा, मार्क्स आया, पेरेंट्स खुश, अपन खुश, मजे करो जिंदगी में, साइंस के मजे लूटो। सोचना होता है, क्रिएटिविटी और सक्सेस वहीं से आता है कि जो चीज़ें आपको दिखाई जा रही है उसमें क्या नहीं दिख रहा है वो सोचो। आपको दिखाया गया कि भी ये स्क्वायर है, चार वर्टाइसेस है, तो सोचो कि ये टेढ़ा क्या है, डायगोनल है। सोचो डायगोनल का हाफ क्या होगा, सोचो डायगोनल के हाफ के चार टुकड़े करेंगे तो क्या होगा। ये जो आपको टीचर्स नहीं दिखाते हैं वो आपको देखना होता है, दैट लेवल ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन यू मस्ट हैव। तो एटमोस्फेरिक प्रेशर का जब भी टॉपिक आता है ना मैं इमोशनल हो जाता हूँ। बच्चों को ये नहीं पता तेरे सर के ऊपर कहाँ तक हवा फैली हुई है, तो किसी बच्चे ने कहीं पढ़ा होता है किसी किताब में तो बोलता है कि सर 7-8 किलोमीटर तक हवा है फिर नहीं है, तो आंसर राइट है तेरा। तेरे पास वजह क्या है इस आंसर की, कैसे ढूंढा तूने, तूने अपने ज्ञान का क्या उपयोग किया इसमें, सर ज्ञान व्यान पता नहीं कहीं पढ़ा था। अरे यार, तो मैं स्टार्टिंग उसी से करता हूँ, चल अपने सर के ऊपर कहाँ तक हवा फैली हुई, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। ये रहे अपन खड़े, ठीक है, ये अपनी दो आंखें, बाल वाल बनाऊं, मान लो ये मैं हूं तो बाल नहीं बनाने हैं, टकला हो गया, मान लो आप हो तो थोड़े बाल वाल बना लेते हैं। ये आप खड़े हो, अब आपके सर के ऊपर कहां तक हवा है, मान लो यहां पूरा आसमान फैला पड़ा है, स्काई इज द लिमिट, सपोज यहां तक हवा है आपके सर के ऊपर, यहां तक एयर है, फिर उसके ऊपर एयर नहीं है, एटमोस्फियर नहीं है, ठीक है, मैं एटमोस्फियर की बात कर रहा हूं, एटमोस्फियर नहीं है, तो यहां तक आपके सर के ऊपर क्या है, ये कॉलम बन रहा है कुछ ना कुछ, काय का कॉलम बन रहा है, हवा का, हवा मतलब फ्लूइड, फ्लूइड कॉलम बन रहा है। अब फ्लूइड कॉलम जो भी होता है वो प्रेशर क्या बनाता है, फ्लूइड कॉलम का प्रेशर होता है रो जी एच, बनाता है कि नहीं, तो आपके सर के ऊपर जो हवा है ना उसका कॉलम आपके ऊपर इतना प्रेशर बना रही है रो जी एच, सिंपल। अब ढूंढ के लाना है सर रो क्या होता है, तो ये तो हवा है रे, हवा का रो क्या होगा, हवा का रो होता है 1.29। तो फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ रहा है तुझे, तेरे आसपास चलने वाली हवा का डेंसिटी नहीं पता है, मार्क्स फुल आता है सर मेरा तो, आई एम द ब्रिलियंट, 100 में से 100 लाता हूँ, लेकिन एयर का डेंसिटी मेरे को नहीं पता सर। तो जानने की कोशिश करो ना, मैंने हर लेक्चर में आपको वाटर का डेंसिटी बताया 1000, कभी कभार मर्क्यूरी भी बता दिया, कभी कभार एल्यूमिनियम बताया, तो तुमने घर जाके सोचा कभी कि मेरी ग्लास में ये जो बटर मिल्क है ना छाछ उसका डेंसिटी क्या होगा। अपने को तो उसी के साथ जिंदगी गुजारनी है ना, अपने को कौन सा मर्क्यूरी और एल्यूमिनियम के साथ रोज जिंदगी गुजारनी है, समझो। फिजिक्स, अप्लाइड फिजिक्स कब बनता है, जब आप आसपास की चीजों में फिजिक्स ढूंढा जाए। आपने कभी सोचा नींबू शरबत बना के दिया मम्मी ने, उसका डेंसिटी क्या होगा यार, क्या पानी से कम हो गया ज्यादा होगा, उसमें से नींबू और नमक निकाल दो, शक्कर भी निकाल दो, तो वो पानी है 1000 होगा, लेकिन ये सब डालने के बाद डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा कम, आपको पता, ये सोचना आपका काम है, मेरा काम सिर्फ दीवा से ली सलगाना है, ये सुलगना आपको है, समझा कि नहीं। तो हवा का डेंसिटी कोई बोल नहीं पा रहा है, मेरे को बोलना पड़ रहा है क्लास में। श्वास में क्या लेते हो, एल्यूमिनियम लेते हो, मर्क्यूरी लेते हो श्वास में, तो जो लेते हो उसकी डेंसिटी पता होनी चाहिए। एयर का डेंसिटी 1.29 ले रहे हैं हम लोग अप्रोक्सीमेट, ठीक है। जी क्या है, 9.8। हाइट क्या है इस कॉलम की,
कोई बोला होता ना 8 किलोमीटर थप्पड़ मारता खींच, वो ही तो ढूंढने चाह रहे हैं हम, उसी पे रिसर्च कर रहे हैं कि हाइट क्या है। तू पहले से रट के बैठा है सर 8 किलोमीटर है, ले लो ना बात खत्म करो, समझा कि नहीं। हाँ तो ये हाइट हमको ढूंढना है ना, तो उसको रेड रख देते, चल हाइट निकालते रहे, कौन सी बड़ी बात है। अब आपको केमिस्ट्री में फिजिक्स में बार बार पढ़ाया गया है कि हमारे आसपास जो एटमोस्फियर है उसका प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक है, हमारे आसपास जो हवाएं हवाएं उसका प्रेशर 1 एटमोस्फेरिक है। तो यहां प्रेशर अपने आसपास कितना है 1 एटमोस्फेरिक, और 1 एटमोस्फेरिक नहीं चलेगा, क्यों, अपन एसआई में ले रहे हैं ना, ये 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये डेंसिटी केजी पर मीटर क्यूब, सारा एसआई यूनिट है ना, तो इसका एसआई यूनिट चाहिए, तो एटमोस्फेयर नहीं चलेगा। अरे मुझे पक्का भरोसा है आप बोलोगे, क्योंकि रटने वाली चीज है, आपने रट के बैठे हो। द रट्टू पैरोट, यू नो व्हाट इज रट्टू पैरोट, आपका कचरा करना मेरा इरादा नहीं है, आपके अंदर दबा हुआ चिंगारी को सुलगाना मेरा काम है। क्या आप सब लोग टैलेंट हो, तभी उतने बच्चों में से छंट के आप साइंस में आए हो, समझो। लेकिन आपके अंदर आग बुझ गई है, पानी पता नहीं किसने डाल दिया यार, अब ये सारा नीचे डालो इधर और मेजरमेंट निकालो। हाइट 8 किलोमीटर के आसपास आएगा अप्रोक्स, कैलकुलेटर लगा लेना, समझा हाइट क्या आएगा 8 किलोमीटर के आसपास, पक्का कि नहीं पक्का। अब आपको क्या फिजिक्स चाहिए, मतलब किताबों से रटा हुआ फिजिक्स या जिंदगी में, तू चल इंजीनियर बन गया तो क्या करना है, उधर आंसर लिखने बड़े बड़े कि आधी रात को 2 बजे मशीन खराब हो गया उसको ठीक करना है, मशीन को ठीक करना है ना, तो मशीन को समझ सीख, उसकी प्रैक्टिस कर, 2-4 मशीनों को बिगाड़, 2-4 को ठीक कर, लेकिन पेरेंट से पूछ लेना, ऐसा नहीं हो कि जो आपने बिगाड़ा हो जिंदगी में किसी से जुड़े ही नहीं वापस। कहने का मतलब प्रैक्टिकल चीजों के साथ जुड़े रहो तो फिजिक्स बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लगता है। सिंपल सी एक बात के साथ जोड़ू आपको, जैसे आपका घर का दीवार है उसके अंदर कितनी ईंटें, हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन योर वॉल ऑफ रूम, सोचा कभी, नहीं दीवार पे मस्त पोस्टर लगा दिया आलिया भट्ट का, वो भी दरवाजे के पीछे, ताकि मम्मी आई तो दरवाजा बंद कर दूं तो आलिया भट्ट दिखे नहीं। सोचा कभी जिस रूम में आप सोते हो उस रूम की दीवार में कितनी ईंटें लगी होगी अंदर, बहुत आसान सी चीज है, बहुत आसान सी चीज है कि हमारे 2 रूम के बीच में जो दीवार होता है ना, पार्टीशन दीवार, वो जनरली सिंगल ईंट का होता है, और हमारे 2 मकान होते हैं ना, हमारे पड़ोसी और हमारे बीच में जो दीवार होता है वो डबल ईंट का होता है। तो मान लो मैं रूम के पार्टीशन की दीवार की बात कर रहा हूँ, तो दीवार मान लो ये रहा आपका, भाई इंटरेस्ट है ना, मैं जाऊँ ना आगे थोड़ा, वरना सिर्फ किताब की बातें तो मेरे को याद है, मैं बोल दूँ जाऊँ आगे, दीवार के अंदर घुस जावे, चल देख दीवार। अब कोई बच्चे देसी दिमाग होते हैं, बहुत जुगाड़ू इंजीनियरिंग, वो बोल देते सर दीवार के अंदर कितनी ईंटें आपको जाननी है, बोला हाँ रुको पूरा फाइल निकालेगा मकान बनाने का, देखो कॉन्ट्रैक्टर के साथ बात हुआ था, इस दीवार में सब 500 ईंटें डाली है उसने, उतना पेमेंट मैंने किया है, इज दिस द वे। फिजिक्स वाला ऐसे करते हैं कभी, सर कॉन्ट्रैक्टर ने लिखा इस, मान ले कॉन्ट्रैक्टर ने चीटिंग किया, 2 ईंटें कम डाला, तो अपने ज्ञान पे भरोसा रख करते, चलो क्या करना है टेक्निक, जैसे ये रहा दीवार, ये रहा दीवार, दीवार का लेंथ मेजरमेंट करना आता है, आता है। कि अनपढ़ गवार है, आर यू अनपढ़ गवार और यू कैन मेजर आउट द लेंथ एंड हाइट ऑफ वॉल, कर सकते हो मेजरमेंट, चल ठीक है। तो मान ले अपनी दीवार का लेंथ है 1 मीटर, इतना होता है अंदाजा मार ले, 1 मीटर इतना होता है, तो मान ले अपनी दीवार होगी 5 मीटर की, 5 मीटर की लेंथ है उसकी लंबाई, और मान ले 5 मीटर की हाइट है, स्क्वायर दीवार मान के चलते, चलो ज्यादा टफ नहीं करना है चीजों को, 5-5 मीटर सब जगह से दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इस टोटल दीवार का एरिया क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ 25 मीटर स्क्वायर, मतलब ये टोटल स्पेस जो दीवार ने रोक के रखा है ना 25 मीटर स्क्वायर है कि नहीं। अब एक ईंट को पकड़ ले,
घर के हमारे घर में जनरली छत पे कहीं ना कहीं बाहर रोड पे एक ईंट का टुकड़ा मिल ही जाता है, कहीं ना कहीं दावे पे जो टंकी लगा है ना पानी का, उस टंकी के ढक्कन के ऊपर कहीं ईंट रखा होगा अपनी मम्मी ने, ताकि वो ढक्कन उड़ नहीं जावे, है कि नहीं। तो कहीं से एक ईंट ढूंढ और ईंट का मेजरमेंट निकाल। जैसे तूने ईंट का मेजरमेंट निकाला तो तुझे लगा कि ईंट तेरी 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर की है, एक ईंट इतने की है, तो एक ईंट का एरिया निकाल दे, एरिया ऑफ ब्रिक 10 × 5 = 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब तू फिर फंसेगा मीटर और सेंटीमीटर के चक्कर में। हाँ, ऐसा नहीं होता है, इसको 10⁻⁴ करी हो गया मीटर स्क्वायर, मतलब तुझे पता चल गया एक ईंट का एरिया इतना होता है। एरिया मतलब इतनी जगह वो रोकेगा, टू डायमेंशनली इतना स्पेस वो रोकता है, मुझे इतना स्पेस फिट करना है पूरा, तो कितना लगेगा, डिवाइड, वेरी गुड, 25 को डिवाइड कर 50 × 10⁻⁴ से, ईंटें लगी होगी इस दीवार में। ले, ये मैं अप्रोक्सीमेट माप दे रहा हूं, मेथड सिखा रहा हूं, कोई तुम्हारी ईंट 10x5 की निकले मुझे पता नहीं, समझो, ये कॉमन सेंस का फिजिक्स है जो हमारे साथ जुड़ा हुआ होना चाहिए हमेशा। हम पढ़ाई कुछ भी करें, मार्क्स कुछ भी लाए, ये तो हमको आना ही चाहिए साइंस के बच्चे को। लोग हमसे बड़ी उम्मीद रखते हैं, अड़ोस पड़ोस वाले बोलते हैं मम्मी की ये पिला छोकरा जोड़े रम जो साइंस रखी जाए, बोलते रहे ऐसा कि उसकी दोस्ती करना उसने साइंस रखा है। अब जब अंदर आके देखेंगे तो साला क्या साइंस रखा है रे, हवा की हाइट नहीं पता है, एयर का डेंसिटी नहीं पता, काय का साइंस रखा है, समझो। तो फिर ऐसा टैग लग सकता है। मैं तो हूं तो मेरे बच्चे को ये बोलूं, भाई देखो पड़ोसी के बच्चे ने साइंस रखा है, बहुत अच्छा रटता है, उसकी दोस्ती का रटना सीख जाएगा, ये अपनी कॉलोनी में 10 बच्चे ना उनमें सबसे अच्छा ये रटता है, इसके साथ दोस्ती कर, समझा। चलो ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल चीजों पे बातें हो गई, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, काम आएगा कहीं ना कहीं। ओके बच्चा पार्टी, अब हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे थोड़ा डिटेलिंग करते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मेजरमेंट करना है, वो धांसू साधन है उसके लिए, क्या गजब डिवाइस है यार, और ये जोरदार, इतना सारा उसमें लगा होता है ताम झाम, क्या साधन है। कांच का सिर्फ एक नली है, सीधा नली है, ऐसा सीधा, ऐसा पतला सा नली, सिर्फ इतना सा। नाम उसका बड़ा हाईफाई है, बैरोमीटर। क्या नाम है उसका? अब नाम सुन के बच्चे को तो लगता है यार पता नहीं क्या होगा, चलो सीखते हैं, देखते हैं, व्हाट इज देयर यार, इधर से न्यूटन का लॉ लग रहा होगा, इधर से ये लग रहा होगा, यहाँ पे वाल्व लगे होंगे, स्विच ऑन करेंगे चालू हो जाएगा। भाई साहब बैरोमीटर मतलब कांच का नली, थोड़ा पतला होता है और लंबा 1 मीटर तक, इतना होता है 1 मीटर, अभी बताया था ना 1 मीटर इतना होता है, ये 1 मीटर इतना होता है अंदाजित। इससे क्या फर्क पड़ता है सर पढ़ाने में, आपको बहुत फर्क पड़ता है। आप इमेजिनेशन राइट करोगे कि मेरा नली इतना लंबा है, दिखेगा सही आपको ना, कुछ बच्चे इसको 1 मीटर समझते हैं, पर दिस इज 1 मीटर, सो दिस इज 50 सेंटीमीटर। हाथ जोड़ू भाई, 1 मीटर को इतना ही समझना। तो 1 मीटर लंबा कांच का नली है पतला सा, तो जो उस कांच के नली को उठा के घूमो और बोलो आई हैव द बैरोमीटर, आई हैव द बैरोमीटर, यस यू हैव द बैरोमीटर, दैट नली इज बैरोमीटर, सिंपल। ओके, तो ये नली बैरोमीटर सबसे पहले किसने बनाया था? इवांगेलिस्टा टॉरिसली। किसने बनाया था? हाँ मैं बोल दिया तो पीछे आपको बोलना ही है नाम, मेरे से पहले क्यों नहीं बोला? इवांगेलिस्टा, ओके बहुत खींच ली आप लोगों की, अब मैं पढ़ाता हूँ, सीधा पढ़ाने में फोकस करते। इवांगेलिस्टा टॉरिसली, इवांगेलिस्टा टॉरिसली। अब आपको एक और काम दे दूं, जाने दो, नहीं देना है, अगले लेक्चर में ढूंढ के लाओ ये मेल थे कि फीमेल थे। इवांगेलिस्टा शायद फीमेल है, टॉरिसली मेल, मुझे नहीं पता है, मैं एक दिन का टाइम ले ले, क्यों जल्दी कर रहा है, मान लो फीमेल हुई तो। तो अब आप नेट पे जाके सर्च करो टॉरिसली का फोटो कैसा दिखता है, फोटो में पता चलेगा ये
मेल है, लेकिन साइंटिस्ट लोग बहुत से ऐसे होते हैं लंबे लंबे बाल, तो थोड़ा आर्टिकल पढ़ लेना कहाँ जन्मे थे, कौन से देश में जन्म हुआ था, थोड़ा क्यूरियोसिटी लाने के लिए मैं क्लैरिफाई नहीं कर रहा हूँ कि फीमेल थे कि मेल थे, ठीक है, आप लोग खुद सर्च करो तो थोड़ा और ज्यादा जान पाओगे, क्लियर। इवांगेलिस्टा टॉरेसिली ने ये बैरोमीटर बनाया था भाई, ही डिवाइस्ड टू मेजर, यस ही डिवाइस्ड, ही इंस्ट्रूमेंटेड समथिंग, ही डिवाइस्ड टू मेजर एटमोस्फेरिक प्रेशर। मैं ही सी नहीं जानता, गलती से निकल गया। एक मिनट, तू नारी शक्ति को कम सम मत समझ, मैडम क्यूरी, मैडम क्यूरी, एंशियंट मतलब ऐतिहासिक समय में जा रहा है तू? कहाँ जा रहा है, कौन से टाइम में जाना चाहता है? हड़प्पा संस्कृति में घुसना चाहता है, वो 4000 साल पहले थी। ऐसा कुछ नहीं है कि लेडी साइंटिस्ट नहीं थी, बहुत लेडी साइंटिस्ट, आप पढ़ो पढ़ो, आप जितना पढ़ोगे उतना इंफॉर्मेशन मिलेगा। मैडम क्यूरी सुन रहे, रेडियो एक्टिविटी को बैकवेरल ने है ना सिर्फ डिस्कवर किया था कि ऐसा कोई एक्टिविटी है, उसको बहुत आगे तक क्यूरी लेके गए थे, मैडम क्यूरी। चलो आजा, अब तुम लोग ये उठपटांग ज्ञान बंद करो, मुझे आज एक बार पढ़ाने दो, अच्छा टॉपिक है, फिर सारा एनर्जी इधर जाएगा ना, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को न्याय नहीं दे पाएंगे अपन। चलो ठीक है, इवांगेलिस्टा टॉरेसिली ने क्या किया, एक लंबा एक मीटर नली लिया कांच का, उसको एक साइड से बंद था वो और एक साइड से खुला था, व्हाट अ मैजिक नली यार, एक साइड से बंद था और एक साइड से खुला था, जहां खुला था ना वहां से उन्होंने उसमें मर्क्यूरी डाला और मर्क्यूरी पूरा एक मीटर तक भर दिया, नली पूरा फुल हो गया, एक मीटर तक मर्क्यूरी भर गया, फिर उस नली का जो खुला मुंह होता है ना वहां पे उंगली अंगूठा दबा दिया, अंगूठा दबा के उसको उल्टा किया, मान लो अंगूठा हटा लेंगे तो नहीं हटाया ना उन्होंने, उन्होंने नहीं हटाया, गिरता तो लॉस होता, मर्क्यूरी महंगा आता है, वापस कलेक्ट भी नहीं होता है मर्क्यूरी, पता है आपको, हाथ में नहीं आता है, फिसल के इधर उधर भागता रहता है, टेबल पे गलती से गिर जाओ ना तो हाथ में नहीं आवे सुबह तक, तो अंगूठा रखना जरूरी है। सुनो, अंगूठा रखा, अब इस नली को, इस ट्यूब को, एक बड़ा सा कंटेनर था जिसके अंदर भी मर्क्यूरी ही भरा था, मर्क्यूरी वाला ट्यूब और मर्क्यूरी वाला कंटेनर, उसके अंदर जाके उल्टा कर दिया यूं और अंगूठा धीरे से हटा लिया, अंगूठा हटा लिया ना तो इसके अंदर का मर्क्यूरी थोड़ा डाउनवर्ड आने लगा, डाउनवर्ड आने लगा, अब डाउनवर्ड आने लगा ये इन्फॉर्मेशन है, क्यों आने लगा वो सोचो कि मर्क्यूरी नीचे क्यों आया, ऐसा तो क्या तकलीफ हुई मर्क्यूरी को, पूरा भरा हुआ था नीचे, जबकि नीचे भी पूरा मर्क्यूरी है, तो उसने रिटर्न फोर्स नहीं दिया होगा क्या, क्यों नीचे गिरा, फिर डाउनवर्ड आने पे एक लेवल तक डाउन आया फिर रुक गया, फिर नीचे नहीं गिरा, बोलो पूरा खाली नहीं हुआ। अब इस पे सोचो, तब तक मैं ड्राइंग बनाता हूँ, सोचो कि क्यों पूरा ट्यूब खाली नहीं हुआ, थोड़ा सा मर्क्यूरी नीचे आया फिर रुक गया, इसी के अंदर एटमोस्फेरिक प्रेशर की समझ है और वो पूरी लाइफ आपके साथ रहेगी, ऐसा समझा दूंगा आज, सिर्फ इसको सोचो कि इतना सा मर्क्यूरी नीचे गिरा फिर क्या हुआ, क्या होगा यहाँ पे, तब तक मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। ये रहा बड़ा सा कंटेनर, इसके अंदर मर्क्यूरी भरा होगा, भर दो, भर दिया मर्क्यूरी, अब वो एक किताबों में ढूंढ रहे हैं, ये किताबी कीड़ो, उसी पे मुझे गुस्सा आ रहा है, किताबों में अपना अपना सोच लगा ना, इमेजिन कर आंख बंद कर, मैं टाइम तो दे रहा हूँ, बढ़िया है, चालू तो है सब कुछ, आंख बंद करके सोचने लग, अरे जब कोई आंख बंद करके सोच रहा है बाजू वाला चुमटी नहीं काटेगा, ठीक है, ये बड़ा रिस्क होता है क्लास में, अपन यूं सोच रहे हैं, हाँ कौन था, सोचो आंख बंद करके सोचो, वजन फोर्स वेट ऐसा भी कुछ होता है लाइफ में भाई, ये अंदर पूरा मर्क्यूरी भरा था, ऊपर से बंद था भाई, पूरा मर्क्यूरी भरा हुआ था, ये था टॉरेसिली का ड्राइंग, सिंपल डिवाइस। अब चलो सोच लिया आपने बहुत सारा, हाँ मैं समझा तो रहा हूं, अरे लेट मी एक्सप्लेन यार, देख
चलो मेरे नए नए अभी के साइंटिस्ट हो, 5 मिनट पहले आप साइंटिस्ट बने हो मेरी बातों से मोटिवेट होके, चलो यहाँ पे ध्यान दो। जैसे यहाँ से अंगूठा हटा लिया, मर्क्यूरी यहाँ से डाउनफॉल हुआ, ऐसा सब किताबों में लिखा है कि मर्क्यूरी डाउनफॉल हुआ, बच्चे पढ़ लेते हैं, क्यों हुआ उस पर मैं बात करता हूँ आपके साथ। चलो इस लेवल तक गिरा मर्क्यूरी, फिर रुक गया, क्या वजह थी रुकने की? तो देखो देसी भाषा में देखने जाए तो इसके अंदर जो मर्क्यूरी भरा होता है पूरा, उसका वेट इतना हैवी होता है ना कि उसको डाउनवर्ड लेके आता है, उस वेट की वजह से प्रेशर बनता है नीचे, ठीक है। और एक प्रेशर और जगह बन रहा है यहाँ पे, यहाँ पे ये जो खुला सरफेस है इसको कौन दबा रहा है? वेरी गुड, वेरी गुड, सॉरी सही सोच में आ रहा है आपके, इसको तो हवा दबा रही है ना, एटमोस्फियर यहाँ पे दबा रहा है और ये मर्क्यूरी इसको यहाँ पे दबा रहा है, ये सारा मर्क्यूरी नीचे आ रहा है, मतलब यहाँ से इधर की ओर फ्लो जा रहा है कुछ ना कुछ, लेकिन एक लेवल आने पे ये रुक गया। तो ये पहले जब ये मर्क्यूरी डाउनफॉल हुआ तो ये साइड का लेवल राइज हुआ होगा ना, इसमें से मर्क्यूरी गिर रहा है अंदर, तो ये लेवल तो थोड़ा ऊपर आया होगा ना, तो थोड़ा सा ऊपर आया लेवल, मान लो इतना ऊपर आया मर्क्यूरी का लेवल, फिर ये रुक गया, तो बहुत अच्छा साइंस है इसमें। तो देखो ये नीचे गिरा क्यों, गिरा क्यों? एमजी ने क्या किया? प्रेशर क्रिएट किया, प्रेशर क्रिएट किया, सामने से यहां से हवा भी प्रेशर क्रिएट कर रही थी, दो जने दबा रहे हैं इस पॉइंट को, यहां से मर्क्यूरी दबा रहा है, यहां से ये हवा दबा रही है, लेकिन इसका दबाव ज्यादा है, इसका प्रेशर ज्यादा है, तो ये टिक नहीं पाई हवा और रोक नहीं पाई, आने दिया उसको ऊपर। लेकिन जैसे जैसे यहां पे क्वांटिटी कम होगा, इसका वेट एमजी फोर्स कम होगा, कम होगा फोर्स, कम होगा तो इसका प्रेशर कम होगा, इसका प्रेशर कम होगा फिर हवा उसको मैनेज कर लेगी, अब ऊपर नहीं चढ़ने दूंगी, अब तो मेरा प्रेशर भी इक्वल हो रहा है, समझा कि नहीं? तो जब ये मामला अटक जाएगा ना, तब समझ लो इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर आपका इक्वल हो गया है, ए और बी पॉइंट पे प्रेशर कैसा हो गया है? इक्वल। मान लो मैं बोलूं को अभी भी यहां पे प्रेशर कम है तो क्या होगा? सुनो फिर से सुनो, मैं बोलूं कि अभी भी यहां पे प्रेशर कम है तो वेरी गुड, ये और नीचे आएगा और दबाएगा, ये जितना यहां पे दबाव कम होगा उतना ये चढ़ता जाएगा, क्योंकि रोकने की ताकत भी तो होनी चाहिए ना, दैट प्रेशर दबाव मींस रोकने की ताकत टू अपोज दैट, लेकिन यहां पे ताकत कम है रोकने की, मतलब प्रेशर कम है, दबाव कम है, तो ये और ऊपर चढ़ेगा। लेकिन मान लो मैं उल्टा बोलूं कि नहीं यहां पे प्रेशर ज्यादा हो गया यार, तो यहां पे ज्यादा हो गया है प्रेशर तो कंपलसरी इसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, कब तक चढ़ेगा? जब तक ये और ये प्रेशर इक्वल नहीं हो जाता है, ये यहां से प्रेशर ज्यादा होगा ना तो ये ऊपर चढ़ेगा, तो इसका भी वजन बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा तो इसकी ताकत बढ़ेगी, चल अब आ जा, समझा कि नहीं? तो ये होता है एटमोस्फेरिक प्रेशर का लेन देन, क्लियर? एकदम परफेक्ट इमेजिन हो रहा है। तो हम मान लेते हैं कि इन दोनों पॉइंट पे प्रेशर जब इक्वल हुआ तब ये मामला रुक गया, और जब रुका ना तब ये हाइट मेजरमेंट कर ली, तब ये हाइट मेजरमेंट कर ली गई। अच्छा एक मिनट, मैं बोलूं यहां पे जो हवा का प्रेशर है वो 10 है, तो अब जब ये रुक गया है उसी वक्त यहां पर प्रेशर क्या होगा? 10, जितना हवा का है उतना इसी का भी होगा, तभी तो रुक गया है कि नहीं? तो प्रेशर एट दिस पॉइंट इज इक्वल टू प्रेशर एट दिस पॉइंट, दोनों पॉइंट पे इसलिए प्रेशर इक्वल है कि मामला रुक गया है, बैलेंस इक्विलिब्रियम हो गया है, समझा कि नहीं समझा? ठीक है, अब पॉइंट ए पे प्रेशर कौन बना रहा है? हवा। बी पे प्रेशर कौन बना रहा है? ये कॉलम, कॉलम मतलब रो जी एच। अच्छा ऊपर भी कुछ है? एयर नहीं है, कहां से आया एयर? किस, होल्ड ऑन, किसने घुसने दिया यहां पे एयर? ज्यादातर बच्चे बोलते सर यहां पे एयर है, वैक्यूम हो सकता है, एयर को तो किसी ने घुसने ही नहीं दिया, कहां से आई एयर? थोड़ा सा सोचो, इतना जल्दीबाजी में क्या पढ़ना है? इतना बड़ा नली था पूरा आपने भर दिया, कहीं हवा को जगह नहीं दी, आपने अंगूठे से दबा दिया, अब इसको उल्टा करके सीधा जहां डाला है ना वहां भी पूरा मर्क्यूरी है, कहां है हवा? अब अंगूठा हटा तो मर्क्यूरी का लेन देन होगा, हवा तो अंदर घुस ही नहीं पाई, बीच में इतना मर्क्यूरी तो भरा पड़ा है, तो हवा नहीं है, देयर इज नो एयर, तो क्या है? तो यहां पे ड्यू टू आउटसाइड टेम्परेचर थोड़ा वेपर हो सकता है, और वेपर किसका बना? मर्क्यूरी का, मर्क्यूरी का थोड़ा सा वेपर यहां पे हो सकता है, माइनोर,
यहाँ पे मर्क्यूरी का वेपर हो सकता है और मर्क्यूरी वेपर का प्रेशर मान लो P है, इस पॉइंट को ये इतना दबा रहा है तो ये भी तो दबा रहा होगा, लेकिन इसका प्रेशर हम नेग्लिजिबल समझते हैं, जीरो। दिस इज द ट्रू प्रेजेंटेशन ऑफ दिस सिचुएशन प्लस जीरो के साथ, क्लियर। अब कैलकुलेट कर लो, मर्क्यूरी का डेंसिटी 13.6 × 10⁶, जी 9.8 और टॉरिसिली ने ये हाइट निकाल दिया था। अरे निकालोगे नहीं क्या, एक मीटर लंबा नली है, नली के ऊपर कैलिब्रेशन नहीं होगा क्या? तो कैलिब्रेशन देखोगे तो पता चलेगा ना हाइट कितना है, तो ये हाइट 76 सेंटीमीटर मिला था, कितना 76 सेंटीमीटर, और इसको कैलकुलेट किया तो आंसर आया 0.13 × 10⁵, एग्जैक्टली एटमोस्फेरिक प्रेशर, 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। इसलिए आपको पिछली बार थियरी में पढ़ाया था मैंने कि 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी का जो हाइट होता है ना, दैट इज इक्वल टू 1 एटमोस्फेरिक प्रेशर। जितना एक एटमोस्फेरिक हवा हमको दबाता है उतना ही 76 सेंटीमीटर मर्क्यूरी भी दबा सकता है, समझा? तो ये है बैरोमीटर का सिंपल प्रेजेंटेशन। अब आप इसको लिखना चाहो तो लिख देना, कैसे लिखोगे? अब पॉइंट भी लिखवाऊँ मैं, फिर रट्टू पोपट आप, हाँ एच साउंड इन फिगर से चालू कर दे, वेरी गुड। ले आर ए डबल टी यू रट्टू पी ओ पी ए टी पोपट। चलो ठीक है, अ 1 मीटर लॉन्ग ट्यूब फिल्ड मर्क्यूरी अप टू 1 मीटर हाइट, देन द ओपन एंड इज कवर्ड बाय द थंब एंड मेक इट उल्टा, पुट इट इन टू द कंटेनर फिल्ड विथ मर्क्यूरी एंड जस्ट टेक आउट योर थंब, सम अमाउंट ऑफ मर्क्यूरी विल फॉल डाउन। अच्छा है ना इंग्लिश, हाँ तो ऐसे ही लिखना, ठीक है। चलो ओके, ये हो गया बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट क्लियर। अब इसके जैसा ही एक और कॉन्सेप्ट है आपके पास, मैनोमीटर। मैनोमीटर भाई, अब आपको समझ में तो आ रहा है ना कि दबाव कहाँ कम ज्यादा हो रहा है। जैसे यहां पे एक सरफेस है और यहां पे एक नली है, अब ये नली का यहां पे ओपन सरफेस है, ये खुला है, ठीक है। अब मैं यहां से इसके अंदर पानी डालता हूं, मैंने पानी इतना डाला तो इस सरफेस पे प्रेशर पैदा होगा, पानी और ज्यादा डालूंगा तो प्रेशर और ज्यादा होगा कि कम होगा? ज्यादा होगा, ऑब्वियस है ना। जितना जितना ये कॉलम बढ़ता जाएगा उतना प्रेशर बढ़ता जाएगा, समझा कि नहीं समझा? एट द सेम टाइम मैं यहां से हवा डाल दूं अंदर, हवा डालूं तो क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए? पानी बाहर आएगा, लेकिन इक्वल होगा। क्यों बाहर आएगा? बिना किसी रिसर्च के कैसे बोल दूं कि पानी यहां से बाहर आएगा? मान लो ये मैंने हवा डाल दूं बोला है, हवा डाली लेकिन उसका प्रेशर उतना है नहीं, तो पानी इस हवा को भी दबा देगा, बाहर आ जाएगी, इज नॉट द राइट सॉल्यूशन। हाँ आप ऐसा बोलो कि सर ये जो इतना कॉलम बन रहा है ना उसकी वजह से जो प्रेशर बनता है उससे भी ज्यादा प्रेशर वाला हवा डालो तो पानी बाहर, समझा? आंसर को सोच के थोड़ा समझ के देना होता है, सीधा सर पानी बाहर आ जाएगा। क्लेरिफाई तो कर, ये हवा का प्रेशर उतना है या नहीं है? मान लो कम है तो पानी को कुछ नहीं होगा, पानी उसे और दबाएगा, समझा कि नहीं समझा? ठीक है। तो अब मैनोमीटर, जैसे बैरोमीटर के बारे में कहानियां सुनी थी, तो पता नहीं क्या डिवाइस होगा यार, ये होगा वो होगा, वैसे मैनोमीटर के बारे में भी कुछ सुन रखी होगी। इसका तो नाम ही यार जोरदार है, मैनोमीटर कुछ तो होगा, कुछ नहीं है, कांच का नली है। जैसे ये कांच का नली है बैरोमीटर, ये भी कांच का नली है, लेकिन दोनों के शेप में फर्क है। ये सीधा 1 मीटर लेंथ का सीधा स्ट्रेट शेप है, इसका शेप यू शेप होता है। यू शेप का कांच का नली मतलब मैनोमीटर, कोई बड़ा हाईफाई डिवाइस नहीं है। अब मैनोमीटर की क्या जरूरत है हमको? तो सेम वर्क करता है मैनोमीटर, किसी कंटेनर, क्लोज कंटेनर के अंदर मान लो आपने गैस भरा हुआ है, क्लोज कंटेनर के अंदर आपने गैस भरा हुआ है, उस गैस का प्रेशर कितना है वो जानने में इंटरेस्ट है, तो आप यूट्यूब ये मैनोमीटर यू टाइप ट्यूब को यूज कर सकते हो। कैसे देखो बता दो, बहुत आसान सा टेक्निक है, सिर्फ सीखो, थियरी के पॉइंट्स में रट मार लेना बाद में, सीख तो ले ड्रॉइंग। ये रहा बंद कंटेनर जिसके अंदर बहुत सारा गैस भरा हुआ है, अब एक यू शेप का ट्यूब ले लो, ऐसा थोड़ा लंबा, कम लंबा हो सकता है, यू शेप होना चाहिए ट्यूब, ऐसा एग्जैक्ट यू भी हो सकता है और ऐसा छोटा बड़ा यू भी हो सकता है, ऐसा ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। जितने अकॉर्डिंग टू द नीड्स यू कैन इंक्रीज द हाइट, ओके।
तो एक यू शेप का ट्यूब लेके आ जाओ भैया, लाए इसका एक यहाँ पे ज्वाइन करो, कर दिया ज्वाइन, ले हो गया कि नहीं पक्का? अब मान लो इसके अंदर पानी भर दिया, इस लेवल तक आपने पानी भरा, लिक्विड क्या लेना है वो अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट डिसाइड करेंगे। यहाँ तक पानी भर गया पूरा, यहाँ पे आपने ढक्कन लगा के रखा है, ढक्कन लगा के रखा है ताकि पानी अंदर नहीं घुसे, समझो कॉमन सेंस। अब पानी भरो पूरा, पानी भर के छोड़ दोगे आप तो क्या होगा पानी का लेवल? हाँ अरे यार मेरे बच्चे तो स्टार हैं, मैं ऐसे ही आपको कोसता रहता हूँ। पानी का लेवल तो सेम रहेगा ना, इक्वल रहेगा ना। हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स, हाइड्रोस्टेटिक पैराडॉक्स कि सेम हाइट पे लिक्विड चढ़ता है भाई साहब, जब तक सेम हाइट नहीं ले लेगा तब तक वो ऊपर नीचे होता रहेगा, फिर स्टेबल। तो सेम हाइट पे पानी आया, अब फिनोमिनन क्या होगा? यहाँ से ढक्कन खोला, वाल्व, वेरी गुड वर्ड, यहाँ से वाल्व खोल दिया, तो ये सारा का सारा गैस इधर आके टूट पड़ेगा इस पे, दबाएगा इसको कि चल भाई हट, अब मेरी बारी, आई एम द प्रेशर, हैवी प्रेशर गैस, तू चल आगे जा। तो प्रेशर इसको दबाएगा हवा, तो ये यहाँ से डाउन नीचे घुस जाएगा, यहाँ से नीचे घुसा तो पानी गया कहाँ? अरे यहाँ से ऊपर चढ़ा, यहाँ से ऊपर चढ़ा, चढ़ा ऊपर, सारा लेवल बिगाड़ दिया इस हवा ने, तो पानी ऊपर चढ़ गया। ठीक है, यहाँ तक क्या भर गया पूरा का पूरा? ये वाला गैस भर गया कि नहीं भरा? पक्का? अब मान लो ये गैस पानी को इतना ही दबा पाया, बस अब ज़्यादा नहीं दबा रहा है, ज़्यादा दबाना है ज़्यादा दबाओ, आपका गैस है, आपका एक्सपेरिमेंट है। लेकिन हम कुछ तो सॉल्यूशन लाए, तो सोच लिया कि ये गैस ने प्रेशर दिया और यहाँ तक दबाया, अब आगे नहीं दबा रहा है। मैं दबाया दबाया वर्ड क्यों बोल रहा हूँ? प्रेशर का मतलब ही होता है दबाना। पूरी जिंदगी प्रेशर प्रेशर पढ़ते हो, समझ नहीं पाते हो कि दबाव है, ये दबा रहा है, कुछ दबा रहा है, कुछ दब रहा है यहाँ पे, इसलिए मैं बार बार दबाया दबाया बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं समझना सर को, इंग्लिश बहुत कम आता है, इंग्लिश इज द फनी लैंग्वेज। चलो ये इतना दबा पाया, अब सारा मामला रुक गया। रुक गया का मतलब क्या है? प्रेशर जहां जहां तुझे दिख रहे सब इक्वल हो गए हैं, क्योंकि जब तक प्रेशर कम ज्यादा है, ज्यादा वाला कम वाले को दबाता रहेगा। लेकिन रुक गया मतलब कि अब रहने दे भाई, अब ज्यादा नहीं दबूंगा, दबने की हद आ गई, अब मैं दबूंगा नहीं ज्यादा, बस, समझा? हाँ, तो ऐसा बोलते वर्ड, ये जो पानी ऊपर चढ़ा है ना, ये पानी इसको बोलता है गैस को, पानी बोल, ए भाई बहुत दब लिया, बहुत ऊपर चढ़ गया, अब शांति रख, अब मैं इक्वल हो गया हूँ, समझा कि नहीं? तो ये पानी और गैस दोनों का प्रेशर इक्वल, कौन से पॉइंट पे होगा इक्वल? इस लेवल पे। अब यहाँ पे आके गैस रुक गया ना, तो इस लेवल पे प्रेशर, अरे हाइट देखना सेम है, सेम हाइट है, देखा नहीं था क्या यहाँ पे, है ना? तो यहाँ पे प्रेशर कैसा हो जाएगा? इक्वल हो गया कि नहीं? ओके, तो इसको नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो बी। तो प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी। अब यहाँ पे इस पॉइंट पे प्रेशर किसका है? ये गैस का। कौन दबा रहा है इसको? गैस। तो प्रेशर ऑफ गैस। इस पॉइंट को कौन दबा रहा है? ये रो जी एच। कौन दबा रहा है? रो जी एच। और कोई बाकी रह गया? हाँ, हवाए हवाए हवाए, ये। अब इसमें सारी वैल्यू रखो, आपको गैस का प्रेशर पता चल जाएगा कि गैस का इतना प्रेशर है। सिंपल, यही तो अपना फोकस था कि मैनोमीटर को क्यों यूज करना है, कंटेनर के अंदर भरा हुआ गैस का प्रेशर मेजरमेंट, तो आ तो गया आंसर। ये हाइट तो तू माप लेगा ना कैलिब्रेशन से कि सर ये हाइट इतने सेंटीमीटर है, लो रख दो यहाँ पे वैल्यू, आंसर कहाँ तकलीफ है कि नहीं? इजी वे टू फाइंड आउट द प्रेशर ऑफ एनी गैस फिल्ड इन टू द कंटेनर, अंडरस्टैंड? ओके, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, मैनोमीटर पढ़ेंगे आज तो, बैरोमीटर। ओके, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेके टेक्स्ट बुक में जितना इन्फॉर्मेशन है, मैं ट्राई किया डिलीवर करने का। एक और चीज़ रह गई, ये जो टॉरिसिली थे उनके ऑनर में ये यूनिट है आपका वन टोर। वन टोर इज इक्वल टू पास्कल। सुन लो ज्ञानी बाबा, सुन लो,
वन टोर इज इक्वल टू 133 पास्कल, ये एक्चुअली कितना होता है पता है, 1 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी हाइट के इक्वल प्रेशर है ये, और ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, 1 मार्क का एमसीक्यू के फॉर्म में आ सकता है ये। जैसे 1 एटमोस्फियर कितना होता है, 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, वैसे 1 टोर कितना होता है, 1 मिलीमीटर हाइट ऑफ मर्क्यूरी कॉलम के इक्वल जितना प्रेशर होता है। अब एक छोटी सी प्रैक्टिस करवाता हूँ, ये आपको प्रेशर और थोड़ा समझ में आए। जैसे अपने पास एक यू ट्यूब है, यू शेप का नली है, हम क्या बोलते हैं इसको, मैनोमीटर। अरे नली पतला ठीक हो रहा है, आप समझ रहे हो ना, ये नली है ना, रूटीन एक्सरसाइज नहीं करती है, देख पेट बाहर आ गया इसका, रुक। हाँ, अब बराबर है, फ्लैट सिक्स पैक है। चलो ये यू शेप का ट्यूब है, ध्यान से सुनना भैया, इसके अंदर मान लो पानी भरा है, पानी भरा है इस लेवल तक, पानी नहीं मर्क्यूरी भरा है, चल मर्क्यूरी भर दिया यहां तक। अच्छा आप यहीं तक कैसे भर पाओगे, आप तो यहां से डालोगे ना, वो अपने आप ही हाइट पे सेट हो जाएगा। वेरी गुड, काफी टैलेंटेड बच्चे हैं। कुछ लिखने को मन कर रहा है, अब चैन सुकून आया। चलो इतना मर्क्यूरी भरा है, जाने दे, आपका कचरा नहीं कर रहा हूं, आपको सिर्फ जला रहा हूं, मतलब आपके अंदर की आग को जला रहा हूं। देखो ये क्या बोला, पेट्रोल डाल रहा हूं। ओके ठीक है, चलो बस अब फोकस करते हैं, लास्ट है, 2-4 मिनट में निकलते हैं, बहुत हो गया, थक गए यार सुबह से पढ़ा पढ़ा के। ये इसमें मर्क्यूरी भरा अपन ने भरा, अब ध्यान से सुन, मैं इसका बैलेंस बिगाड़ सकता हूं, मैं क्या करूंगा, यहां से पानी डाल दूंगा H2O, पानी डालूंगा तो पानी इसके ऊपर गिरेगा तो दबाएगा इसको, यहां से दबेगा तो यहां से उठेगा, उठेगा कि नहीं, तो चलो डालो पानी थोड़ा सा, रुको, इतना पानी डाला, बहुत मस्त देसी समझ आए सम के अंदर, आपका दिल खुश हो जाएगा, अरे सर इतना क्लियर हो गया कंसेप्ट एटमोस्फेरिक प्रेशर को लेके, ये इतना पानी डाला तो ऑब्वियस सी चीज है ये यहां से दबेगा और ये यहां से उठेगा, लेकिन मेरे को इसको उठने नहीं देना है, दबा के ही रखना है, लेवल मेंटेन रखना है, तो क्या करना पड़ेगा, यहां से भी कुछ डालना पड़ेगा जो इसको दबा के रखे, तो यहां पे जो भी डाल रहा हूं वो ये रहा सपोज, लेकिन वो ज्यादा डालना पड़ रहा है तब जाके ये लेवल में रह रहा है, इसका क्या वजह हो सकता है, सोचो फिर बोलना, क्या बोला सृष्टि, इसका कम होगा, वेरी गुड वेरी गुड, लो डेंसिटी मटेरियल होगा सर कंपैरेटिव टू दिस, इसलिए इसका वजन कम पड़ रहा है तो ज्यादा चाहिए, वेरी गुड यार, मतलब मेरी मेहनत सफल हो रही है आज के लेक्चर में, ये लो डेंसिटी मटेरियल होगा इसके कंपेयर में, इसलिए ज्यादा चाहिए अपने को, समझा कि नहीं, तब जाके अब सब मामला लेवल में हो रहा है। तो इस फिनोमिनन में इस पॉइंट और इस पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होगा, तो लिख लो अपना फॉर्मूला, प्रेशर एट ए एंड प्रेशर एट बी इज इक्वल। अब मैंने आपको क्लियर बोल दिया ये पानी है, चलो इसका नाम भी बोल देता हूं, ये आपका स्पिरिट है, क्या है, स्पिरिट, स्पिरिट वो आत्मा प्रेतात्मा वाली नहीं रे, वो भी तो होती है ना, स्पिरिट, स्पोर्ट्समैनशिप स्पिरिट, तुमको सिर्फ आत्मा प्रेतात्मा क्यों दिखती है रे, तुम्हारी सोच में ही। चलो ओके सुनो, लास्ट पॉइंट पे अपन, ये लो डेंसिटी इसलिए ज्यादा चाहिए था, हल्का है थोड़ा इसलिए ज्यादा चाहिए था, ठीक है। अब मैं बोलूं इसका डेंसिटी ढूंढ के लाओ, आप इसका डेंसिटी लो है वो कितना है पता नहीं, लो है मतलब एक बात तो कंफर्म है आंसर आने से पहले, ये पानी है इसका डेंसिटी 1000 है तो इसका आंसर 1000 से कम आएगा सर, ये तो हमको पहले ही पता चल गया। अब सॉल्यूशन स्टार्ट करो, प्रेशर रेट ए, यहां पे कौन प्रेशर बना रहा है, ये कॉलम रो जी एच, कौन है ये, वाटर, हाइट किसका है, वाटर का, अच्छा यहां से हवा भी तो दबा रहा होगा तो प्रेशर ऑफ एयर ऑल्सो, इसको मिस नहीं करना है, इट इज देयर, फिर इधर रो जी एच स्पिरिट स्पिरिट, और यहां पर भी तो हवा है भैया, तो दोनों साइड से कैंसल आउट, वाटर का डेंसिटी 1000
जी 9.8 हाइट ऑफ वाटर मान ले क्वेश्चन में दिया है आपको 10 सेंटीमीटर और स्पिरिट का हाइट दिया है 12.5 सेंटीमीटर ठीक है दे देता हूँ हाइट चलो ना फिर ज़्यादा टाइम पास नहीं करना इसमें 10 / 100 सेंटीमीटर ना डेंसिटी ऑफ स्पिरिट पता नहीं है ये 9.8 पता है इसका हाइट पता है 12.5 / 100 चलो 100 से 100 गया 9.8 गया ये हो गया 10,000 / 12.5 इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट विच इज वेरी क्लोज टू 800 kg/m³ सिर्फ तुझे थोड़ा सा टेक्निक पता है कि यहाँ पे प्रेशर इक्वल है तूने इसका डेंसिटी ढूंढ लिया देख समझ में आया इसका और इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं आपकी टेक्स्ट बुक में भी होंगे एक्सरसाइज में एग्जांपल्स में इस टाइप के क्वेश्चंस होंगे ठीक है तो अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को अच्छे से पढ़ के आना और अच्छे से तैयारी करके आना अगले लेक्चर में थोड़ा और आगे बढ़ेंगे कहीं ठीक है चलो स्क्रीनशॉट ले लो टाटा बाय बाय